प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के इस पावन पर्व पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हर साल लाल किले के मैदान में इकट्ठा होकर हम अपना प्यारा तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा प्रतीक है आजादी का, स्वाभिमान का, त्याग और बलिदान का। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनापतियों को, योद्धाओं को तथा शहीदों को सादर नमन करते हैं। तीनों सेनाओं के वीर जवानों तथा सभी सुरक्षा कर्मियों को मेरा अभिवादन। पिछला साल सूखे के संकट से जूझता हुआ बीता। हमने सभी सूखाग्रस्त इलाकों को पूरी मदद दी, पर्याप्त अन्न भेजा और कहीं भी भुखमरी फैलने नहीं दी। बधाई किसानों को जिन्होंने अपने कड़े परिश्रम से देश के भंडार भरे हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। शुभकामनाएं सभी वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, साहित्यकारों और कलाकारों को तथा प्यारे बच्चों को। अभिनंदन सभी प्रवासी भारतीयों का, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है, हमें उन पर गर्व है। स्वतंत्रता के संघर्ष में जिस महान भारत का सपना हमने देखा था, वह आज भी हमारी आंखों में है। कुछ हद तक सपना साकार हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए परावलंबी नहीं हो सकता, इसीलिए 5 साल पहले मेरी सरकार ने जो पहला काम किया वह था भारत को आत्मरक्षा के लिए अण्वस्त्रों से संपन्न करना। दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। भारत को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। पिछले 5 सालों में हमारी विदेश नीति ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने में हाल में कुछ प्रगति हुई है, परंतु आतंकवाद की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान के मित्रों से मैं कहता रहा हूं, हमें लड़ते लड़ते 50 साल हो गए और कितना खून बहाना बाकी है। लाहौर से आई 2 बरस की बच्ची नूर को हिंदुस्तान में जो प्यार मिला, उसमें एक ऐसा पैगाम है जिसे पाकिस्तान के हमारे दोस्त समझे हैं। दोनों देशों के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पाकिस्तान को भारत के साथ अमन के रास्ते पर चलने के लिए दावत देता हूं। स्वतंत्र चुनाव ने इस बात को फिर एक बार साबित कर दिया है कि कश्मीर की जनता ने सीमा पार से आतंकवाद को ठुकरा दिया है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोग लोकतंत्र चाहते हैं, वे अमन चाहते हैं, अपनी जिंदगी की खुशहाली को देखना पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर की गुत्थी को बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इस दिशा में जो प्रयत्न शुरू किए गए हैं उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सालों में देश ने जो प्रगति की है उसने मुझे नई आशा और विश्वास दिया है। कर्ज लेने वाला भारत आज कर्ज दे रहा है। हमेशा विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान भारत ने आज लगभग 100 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा कमा ली है। जरूरत की चीजों की कीमतें काबू में हैं, बाजार में किसी चीज का अभाव नहीं है, गरीबी घट रही है और तेजी से हटाने का हमारा संकल्प है। आजादी के 50 साल के बाद भी लगभग 2 लाख गांव ऐसे थे जिनमें सड़कें नहीं पहुंची थी। पहली बार केंद्र ने इन गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है। आजादी के पहले 50 सालों में सिर्फ 550 किलोमीटर के 4 लेन वाले राजमार्ग बनाए गए थे, अब हम रोजाना 11 किलोमीटर की गति से 24,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। 54,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर काम शुरू हो गया है। कंप्यूटर के क्षेत्र में लाखों नौजवानों को आकर्षक रोजगार मिले हैं। सॉफ्टवेयर का निर्यात 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 50,000 करोड़ रुपए हो गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा।
इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। पिछले दशकों में हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के जरिए भारत की कृषि को काफी बल मिला है। अब भारत के लिए जरूरी है खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक भारत के किसान की औसत आमदनी दुगुनी करना है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत देश के अत्यंत करीब 1.5 करोड़ परिवारों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज मुहैया कराने का काम हो रहा है। इतना सस्ता अनाज पहले कभी नहीं दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के चलते अब कोई भी बालक, विशेषकर बालिकाएं, प्राइमरी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। इसे सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसी साल 2.5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं कक्षा के बच्चों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम कुछ राज्यों में चल रहा है। इसे अब हमने पूरे देश में चलाने का फैसला किया है। बाद में 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी इसे लागू किया जाएगा। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम अक्षय पात्र के नाम से चलेगा। देश के पिछड़े राज्यों में अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं कम होने से वहां के लोगों की परेशानी को मैं जानता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिल्ली के एम्स जैसे अत्यधिक सुविधा वाले 6 नए अस्पताल पिछले राज्यों में अगले 3 वर्ष में खोले जाएंगे। पिछले 5 सालों में जिस गति से गांव और शहरों में मकान का निर्माण हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। अब जितनी कम ब्याज दर पर मकानों के लिए कर्ज मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिला था। बहनों और भाइयों, भारत का उज्ज्वल भविष्य आज नौजवानों के हाथ लिख रहा है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम युवा भारत के दिल की धड़कनों को सुनें, उनके सपनों को समझें, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन दें और उनका मार्गदर्शन करें। भारत एक बहुधर्मी देश है। मजहब के आधार पर भेदभाव या नाइंसाफी करना हमारी प्रकृति और संस्कृति के खिलाफ है। अल्पसंख्यकों की हिफाजत और उनकी भलाई के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना है। उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति वार्ता के सफल नतीजे निकल रहे हैं। बंदूक उठाने वाले हाथ अब वहां के विकास में लगना चाहते हैं। सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। मित्रों, हम सबका, सरकार का और समाज का दायित्व है कि अपने अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बंधुओं को समान अवसर उपलब्ध कराकर व्यवस्था में भागीदार बनाएं। आदिवासियों के विकास के लिए हमने एक नया मंत्रालय बनाया है, एक अलग आयोग भी बनाया है। 50 साल के बाद पहली बार अनुसूचित जनजाति की सूची की समीक्षा करके 100 से भी अधिक नए समूहों को इसमें जोड़ा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसद तथा विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित रखने का प्रस्ताव अब राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 10 लाख से भी ज्यादा महिला सदस्य हैं। इनके अच्छे काम के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। प्यारे देशवासियों, आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वह एक लंबी छलांग लगा सकता है। भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े ध्येय को हासिल करने की तमन्ना सारे देश में बल पकड़ रही है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, बड़े बड़े संकटों का मुकाबला करते हुए भारत आगे बढ़ा है। लगभग 40 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, मेरे साथ 3 बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।